नगर आलमपुर में नगर पालिका की लापरवाही देखने को मिल रही है कि आलमपुर दीभई चौराहा के पास भगत सिंह वार्ड क्रमांक 1 के वयोवृद्ध वृंदावन झा की मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है तो दीभई रोड पर नाला बह रहा है जिससे पूरे रोड पर पानी भरा हुआ है और बड़े बड़े गड्ढे हैं। उन्हीं गड्ढों में से पदयात्रा को निकाला जा रहा है। जैसे तैसे शमशान घाट पर पहुंचे तो वहां पर भी सारी व्यवस्थाएं फेल हैं, पूरी चादर गल चुकी है, साइड में जगह जगह कचरा फैला हुआ है, गंदगी से बैठना मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ की नगर पालिका की लापरवाही कई बार सीएमओ और बाबू को बोल चुके हैं लेकिन कोई जवाबदारी से काम नहीं कर रहा। नगर परिषद आलमपुर में कई बार वहाँ के रहवासियों ने शिकायत की लेकिन शिकायत होने के बाद भी नगर परिषद में लगे जगह जगह के कचरे के ढेर को हटाया नहीं जा रहा। आपके यहाँ शमशान घाट पर क्या क्या सुविधाएं हैं? कुछ नहीं है, 0/0 है। जो नगर पालिका में बोला है क्या इसके लिए? हाँ, क्या बोलते हैं? नहीं सुना, वो तो ऐसा ही रहे बोले। और क्या सुविधाएं हैं? कुछ नहीं है, 0 है। गंदगी है, कीड़े हैं, छट नहीं रहे, साफ सफाई नहीं है। सीएमओ को बोला था? सीएमओ को लिखे थे, एक बेर की नहीं, 4 बेर की है लिखे। तब भी नहीं सुन रहा है? तब भी नहीं सुन रहा। हर एक जनो जो आता जब जो इंटरव्यू हो तो हर एक बेर बाद फिर पता नहीं परत का हुआ। क्या है आपके यहाँ भैया नगर पालिका क्या सुविधा दे रही है? हमारे यहाँ मुक्ति धाम पर देखो, जीते जी तो पानी से निकलना पड़ता है, मरने के बाद भी पानी में भींग के निकलना पड़ता है। मुक्ति धाम पर सुविधा कुछ भी नहीं है। ये बोर्ड लिखा है उस पर कुछ भी नहीं लिखा है, मुक्ति धाम है कि कहानी वाद है कि कहा जावे गंजा बिड़ती कि भैंसे मिड़ती कि सुगंजा बिड़ती कहा बैठ जावे। इतने बगल में देखो तो साफ ढेर लगा कचड़ा का, रास्ता नहीं है सही निकलने के लिए, दखनी अखनी लगी है यहाँ पर। इधर नगर पालिका ने लिखवा रखा है सभी लोगों की एक दवाई, घर घर में साफ सफाई, नगर परिषद आलमपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 और आज तक जी लगाया। देखो ढेर साफ बगल में, मुक्ति धाम पर कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, नाली में देखो कचरा फैला है, आजू बाजू में दखनी लगी है, लाइट वाइट कुछ सुविधा है नहीं यहाँ पर। रात्रि में लोग आते हैं तो रात भर रहती है, सूर्य प्लेट थी वो भी खिंचवा दी है किसी ने, पत्रा अत्रा सारी चीज़ें गल गई, बाकी जलाने की व्यवस्था नहीं है, पानी बरसता है तो मृत लोगों को व्यवस्था के लिए इंतज़ार करना पड़ता है यहाँ पर, ताकि बाद वो व्यवस्था होती है। नगर पालिका कुछ भी नहीं कर रही है और ऐसे ही सारे लोग बैठे रहते हैं, कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं। सीएमओ साहब को बोला? सीएमओ साहब को आवेदन दिया, कई बार आवेदन पहुंचा नगर के लोगों ने इकट्ठा होकर आवेदन दिया है। अभी झा समाज के वृंदावन दादा का स्वर्गवास हो गया है, उनके निधन के लिए सभी लोग आए हैं यहाँ पर, तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।